पेन में एक इंक इंक होती है कि इसके बाद अब इंक खत्म हो जाएगी। ऐसे ही लाइफ में टाइम होता है, मतलब लाइफ एक ही बार मिली है हमें और उसी में ही हमें अपनी बेस्ट स्टोरी लिखनी है। एक्सीलेंट, लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। पेन में जो इंक है उसको आप देख सकते हो टाइम की तरह। टाइम हम सबके पास में लिमिटेड है, आप चाहे चाहो ना चाहो वो इंक खत्म होती ही चली जा रही है, क्योंकि पेन कभी रुकता नहीं है। आपको लगता है कि वो रुक गया है लेकिन रुकता नहीं है, पेन तो चलता ही रहता है और जैसे जैसे चलता रहता है क्योंकि लाइफ चलती रहती है, लाइफ कभी रुकती नहीं है। आप अपने थॉट के लेवल पे रुक सकते हो लेकिन लाइफ नहीं रुकती है, बॉडी तो ग्रो करती रहती है ना। बूढ़े होते रहते हो, मौत की तरफ जाते रहते हो, मतलब कि पता है कि वो इंक खत्म होने वाली है एक दिन, तो इंक खत्म होती चली जा रही है, यानी कि क्या, टाइम खत्म होता चला जा रहा है। तो इस लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड इंक के साथ में आप जो लिख सकते हो वो भी लिमिटेड है। तो जब लिखना ही है तो कुछ ऐसा लिखो ना कि आने वाली जो जनरेशन है वो देख करेगा यार मजा आ गया क्या लिखा है, है कि नहीं। खुद को भी मजा आए पढ़ करके। जब पेन में वो इंक खत्म होने वाली होगी, कुछ दिन रह जाएंगे और हमको दिख रहा है धीरे धीरे वो पेन की इंक खत्म होती चली जा रही है, होता है ना, एंड में थोड़ी सी रह गई है, अब सिर्फ 5-10 साल रह गए हैं, ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं, है ना। इसको ध्यान से समझ लेना, दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे चलने लग जाते हैं, है घुटने को पकड़ करके, जैसे पेन को ऐसे ऐसे करना पड़ता है, लास्ट रह जाता है, तो समझ जाओ कि बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया है। उस टाइम पे भी मैं क्या कर रहा हूं, अपनी इंक को यूज कर रहा हूं, अपने उस टाइम को यूज कर रहा हूं कुछ और अपनी लिखावट को इंप्रूव करने के लिए, मतलब आई एम नॉट कंटेंटेड, राइट। हाँ, आई एम नॉट कंटेंटेड विद व्हाट्स रिटन। आप समझ गए ना, मैंने कुछ लिखा था 10 साल पहले और आज लिख रहा हूं, तो वो जो आज लिख रहा हूं वो बेंचमार्क है। पेन तो बीच में भी खराब हो सकता है, so it's better. आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि पेन तो बीच में भी टूट सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी भी अपनी खुशी को या सेटिस्फैक्शन को पोस्टपोन मत करो। अपनी जिंदगी के हर मोमेंट को इस तरीके से जियो कि अगर अगले मोमेंट में सब कुछ खत्म भी हो जाए, यानी कि वो पेन टूट जाए या फिर इंक लीक हो जाए, होता है ना, डॉक्टर ने एकदम से कुछ बोला कि अब तुम्हारे पास में 20 साल नहीं है, 20 दिन है, तो ये होना चाहिए कि जैसे ही हमको पता लगे 20 दिन है, हाँ सही है ना, बढ़िया है ना, क्या क्या फर्क पड़ता है, आई हैव लिव्ड माय लाइफ कंप्लीटली। अब अगर ये पेन टूटता भी है तो टूट जाए। मौत से कौन डरता है, कभी सोचा है, मौत से वो डरता है जिसने कभी जिंदगी को जिया ही नहीं है। मेरी इंक खत्म हो जाएगी, उससे कौन डरता है जिसने कभी कुछ ढंग का लिखा ही नहीं है, उस पेन को ढंग से यूज किया ही नहीं है, जिसने पेन को पूरी तरह से यूज कर दिया, इनको पूरी तरह से यूज कर दिया, अब उसके अंदर कुछ बचा नहीं है कि अब मुझे ये करना बाकी रह गया है, तो अब वो बंदा पूरी तरह से तैयार है, अभी मौत आती है तो अभी आ जाए, क्योंकि आई हैव लिव्ड माय लाइफ कंप्लीटली, एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माय लाइफ कंप्लीटली। हो सकता है आप इस बात को समझ पाओ, नहीं समझ पाओ, आई एम नॉट टू श्योर। कोई पंछी है वो क्यों पैदा हुआ है, उड़ने के लिए। अगर तो उड़ा ही नहीं पूरी जिंदगी के लिए तो उसके अंदर एक उम्मीद रहेगी कि हाँ मैं किसी दिन उड़ूंगा तो उसको मरने का डर लगेगा, अरे अभी तो मैं उड़ा ही नहीं। लेकिन अगर वो पंछी एक बार पूरी तरह से उड़ गया, जिस लिए वो पैदा हुआ था, वो काम हो गया ना, खत्म, दी एंड, और जब वो ऐसे जिएगा तो वो मौत के साथ जिएगा, यानी जिंदगी और मौत अब उसके लिए अलग अलग नहीं है। अभी बहुत डीप हो जाएगा अगर मैं टच करूंगा तो, आई एम नॉट टू श्योर आप पकड़ पाओगे नहीं भी। मौत सुन के ही आप लोग डरने लगे हो, मौत मौत क्या बात है, आ रही है बात समझ में आ रही है। असली जिंदगी वो है जहां पर कि आप अपने जिंदगी के हर पल को मौत के साथ जियो। मौत मतलब क्या, मौत किसे कहते हैं, हम कुछ छूट जाता है उसको मौत बोलते हैं, सब कुछ छूटने से डरते हैं ना कि छूट जाएगा, तो छोड़ने से कौन डरता है, जिसने कभी पूरी तरह से किसी चीज को पकड़ा ही ना हो वो छोड़ने से डरता है, जिसने आधा अधूरा पकड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर आए, आज आपको बड़ा अच्छा लगा, पूरी तरह से अपना 100% आपने यहां पर दिया, अपनी 100% अटेंशन दी, 100% आप यहां पर थे, इसी तरह से अगर एक साल बाद भी आप जहां पर भी हो, जो भी कर रहे हो, वहां पर 100% हो, तो क्या इस मूवमेंट की याद बाकी रहेगी? ये मूवमेंट मर गया ना, लेकिन ये कब जिंदा रहेगा, ये कब आपको तंग करेगा,
इसकी मेमोरी कब रहेगी? जब एक साल बाद आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से नहीं जी रहे होंगे, तब आपके पास में इसकी याद बनी रह जाएगी। यहाँ की जो भी फोटोग्राफ शूट होने वाली है, एक फोटोग्राफ शूट होगी, उसको देख कर क्या मजा आएगा, क्या टाइम है, तो आप कहाँ जी रहे हो? पास्ट में जी रहे हो। और फिर आपके अंदर एक उम्मीद पैदा होगी कि शायद फिर से इनके सेशन में मुझे जाने का मौका मिलेगा, तो फिर मेरे को उतना ही मजा आएगा जितना मेरे को 5 साल पहले आया था। ऐसे नहीं जीते हम। अपने माइंड को झांक करके देखो कि मैं उस हिल स्टेशन पे गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ में, कितना मजा आया था, मेरे सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, हम सारे भाई बहन इकट्ठे थे और बड़े मजे किए थे हमने वहां पर उस शादी में। अब फिर वो 5 साल बाद उसकी शादी आएगी तो उसमें इतना मजा आएगा, लेकिन आता नहीं है, मानते हो ना? हम ऐसे जीते हैं, इसलिए हम मौत से डरते हैं। देखो कितना मजेदार है, अगर एक पंछी पूरी तरह से उड़ रहा है, तो जिस वक्त वो उड़ रहा है उसके माइंड में मेमोरी है कि एक साल पहले वो उड़ान क्या थी, क्योंकि वो उड़ान भी परफेक्ट थी और ये उड़ान भी परफेक्ट है। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन दीज टू उड़ान्स। अगर आपको ये बात समझ आ रही है जो बात मैं कह रहा हूं, अपनी लाइफ के हर मोमेंट को आप पूरी तरह से जी रहे हो, तो वहां पर मेमोरीज के लिए कोई गुंजाइश होती ही नहीं। जब भी आप कोई भी काम पूरी तरह से कर रहे होते हो, तो वहां पर पास्ट की मेमोरीज नहीं होती है। आप पूरी तरह से उस मोमेंट में होते हो, वहां पर कोई फ्यूचर नहीं होता है, फ्यूचर का डर नहीं होता है। आई बात पकड़ में? हाँ, तो आप टाइम से ऊपर उठ जाते हो। यू लिव इन अ टाइमलेस स्टेट व्हेन यू आर एब्सोल्युटली देयर इन दैट मोमेंट।